भारत का मस्तिष्क पूरी दुनिया के सामने ऊंचा करने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खांद्रा में जन्मे 24 दिसंबर 1997 को नीरज चोपड़ा ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐसे कमाल कर दिए हैं जो आप और हम शायद ही सोच सके। सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करे। नीरज बचपन में मोटापे के शिकार थे। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिताजी ने उनका नाम पानीपत के ही एक जिम में करवा दिया। अपने मोटापे की बीमारी को खत्म करने के लिए उनके परिवार ने उन्हें खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करा, जिसके बाद वह पानीपत के ही शिवाजी स्टेडियम जाया करते थे। वहां पर एक दिन खेलते हुए उनकी नजर कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर पड़ी जो जैवलिन थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके बाद जैवलिन थ्रो करने में धीरे धीरे उनकी रुचि भी बढ़नी शुरू हुई। वह पानीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर जाना शुरू हुए, जहां पर जैवलिन थ्रोवर जयवीर चौधरी की नजर उन पर पड़ी। बिना किसी भी फॉर्मल ट्रेनिंग के नीरज 40 मीटर से भी दूर जैवलिन थ्रो कर पाने में सक्षम थे, जिससे जयवीर इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि वह नीरज के पहले कोच बने। लगातार हर दिन मेहनत करके पसीना बहाकर नीरज ने अपना पहला मेडल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल, जिसके बाद उनके परिवार को यह तो मालूम हो चुका था कि नीरज एज अ एथलीट ही अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। एक साल तक जयवीर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद नीरज जुड़े ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जो कि हरियाणा के पंचकुला में मौजूद था, जहां नीरज के कोच बने नसीम अहमद। नसीम अहमद जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कोच थे, उनके साथ ट्रेनिंग करने से नीरज को ये फायदा हुआ, नीरज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने के साथ साथ अब ज्यादा रेंज तक जैवलिन थ्रो कर पाने में धीरे धीरे सक्षम हो रहे थे। लेकिन पंचकुला में मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशलाइज्ड जैवलिन थ्रोअर की कमी के कारण वह और उनके साथी परमिंदर सिंह इंटरनेट से चेक रिपब्लिक के चैंपियन जैन ज़िलिंस्की की वीडियोस को डाउनलोड करके उनसे सीखने की कोशिश करते थे। नीरज धीरे धीरे अपनी रेंज 40 से 50, 50 से 55 तक बढ़ाते गए, जिसके बाद साल 2012 के नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वह गोल्ड मेडल के साथ साथ अपने घर नेशनल रिकॉर्ड 68.4 मीटर का खिताब अपने साथ लाए। साल 2013 के वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप से, जो कि यूक्रेन में हुए, वहां से नीरज ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करी, जिसके बाद वह हिस्सा रहे 2014 के यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन का बैंकॉक में, जहां नीरज ने अपना पहला सिल्वर इंटरनेशनल मेडल जीता। अपने करियर के पहले 70 मीटर से ज्यादा का थ्रो नीरज ने 2014 के सीनियर नेशनल में अचीव करा, जिसके बाद साल 2015 में नीरज ने पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जूनियर कैटेगरी में जैवलिन को 81.04 मीटर तक थ्रो करके 2015 के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में। नीरज साल 2015 में केरला में आयोजित हुए नेशनल गेम्स में 5वें स्थान पर रहे, जिसके कारण उन्हें नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद पंचकुला कॉम्प्लेक्स को छोड़ने के बाद वह नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का हिस्सा बने। नेशनल कैंप में ट्रेनिंग शुरू करने के बाद और उन सभी जरूरतों की पूर्ति पूरी होने के बाद जो उन्हें पंचकुला में मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं मिली, वह अब सब प्राप्त कर सके, जिसके कारण नीरज का मोराल में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि नीरज को ट्रेनिंग कैंप में कोच भी असाइन हुए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट कशिशनाथ नायक। साल 2016 के IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के दौरान, जो कि पोलैंड में हुए, उसमें नीरज ने अपना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जैवलिन थ्रो करने का 86.48 मीटर तक, जिसके बाद ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बने, जिसमें नीरज ने साथ साथ नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया पोलैंड में इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने के साथ, जिसमें नीरज गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाने में भी सफल रहे। लेकिन नीरज के डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन केशॉन वेलकॉट ने अंडर 20 में नीरज का रिकॉर्ड तोड़कर उसे अपने नाम दर्ज करा लिया। नीरज की साउथ एशियन गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस को
मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने नीरज को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवाई एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर राजस्थान राइफल्स में नायाब सूबेदार की रैंक के साथ। जेसीओ के पद से नीरज दिसंबर 2016 में जुड़े। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सीजन का बेस्ट रिकॉर्ड 86.47 मीटर करने वाले वह ऐसे पहले भारतीय बने जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो करने में ये मुकाम हासिल करा। 2018 के अगस्त महीने में ऑर्गेनाइज हुए एशियन गेम्स में इंडिया रिप्रेजेंट करने में नीरज ने अपना डेब्यू करा और साथ ही वह फ्लैग बेयरर भी रहे इंडियन कंटिजेंट की तरफ से 2018 के एशियन गेम्स परेड ऑफ नेशंस के दौरान, जिसके दौरान 88.06 मीटर का जेवलिन थ्रो करने के बाद वह गोल्ड मेडल से नवाजे गए, जो कि भारत का पहला गोल्ड मेडल था एशियन गेम्स में। 2018 के दौरान ही नीरज सिर्फ अकेले ऐसे एथलीट थे जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दौरान नॉमिनेट किया गया हमारे देश के सर्वोत्तम खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए, लेकिन सितंबर में वह अर्जुना अवार्ड से नवाजे गए। भारतीय सेना के द्वारा भी वह नवंबर में सम्मानित हुए, जिसके बाद वह नायाब से सूबेदार की पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिए गए। इसी साल हुए जापान के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने अपना डेब्यू करा, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिखे जाने वाली तारीख यानी कि 7 अगस्त 2021 को नीरज ने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। नीरज ऐसा करने वाले पहले इंडियन ओलंपियन बने जिसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक अपने देश भारत के लिए जीता। साथ साथ वह ऐसे करने वाले पहले भारतीय भी बने जिसने देश को आजादी मिलने के बाद किसी ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक अपने देश के लिए जीता। अपने 87.58 मीटर के थ्रो के बाद नीरज इंटरनेशनली सेकंड पोजीशन पर भी अपना नाम ले जाने में कामयाब हो सके मेंस जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा आज सब यंग जनरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्पिरेशन है। कभी किसी जमाने में अपनी हेल्थ के कारण जिम ज्वाइन करने से लेकर आज इतने बड़े बड़े खिताब अपने नाम करने में नीरज ने बहुत चुनौतियों का सामना करा है। नीरज जैसे लोग और भी होने चाहिए ताकि हमारे ऐसे भटके हुए समाज को आईना दिखा सके, ताकि हम सब एक अच्छे रास्ते पर चलकर अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।